हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू मास्क रिएक्शंस। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल डूइंग रियली गुड। और इंडिया वर्सेस श्रीलंका का जो सीरीज थी वो इंडिया जीत चुका है, और देखते हैं कि कैसे जीता और क्या हुआ इस वीडियो में। ये वीडियो मैंने इसलिए चूज़ किया क्योंकि मुझे थोड़ा ज़्यादा तरीके से पता चलेगा कि क्या कुछ हुआ, कैसे हुआ। और इसके अलावा मज़ीद किस पर रिएक्शंस करूँ ज़रूर बताना। इस वीडियो का लिंक दे रही हूँ डिस्क्रिप्शन में, यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम टू, वहाँ जाकर आप मुझे वीडियोज़ वगैरह भेज सकते हैं। अब इंडिया का आगे किसके साथ हो रहा है, शुरू किसके साथ हो रहा है, देखते हैं कि क्या चलेगा अब इसके बाद। ये तो जीत गए हैं श्रीलंका से इजीली, सो लेट्स प्ले दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर करना, एंड यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। लेट्स प्ले दिस वन एंड चेक करते हैं। वैसे तो इंटरनेशनल क्रिकेट से खिलाड़ी रिटायर होते हैं, लेकिन जिस तरह का खेल श्रीलंका ने दिखाया है उनकी पूरी टीम को रिटायर हो जाना चाहिए ब्रो। अच्छा, मतलब काफी बुरा खेल है। हेलो नमस्कार, मैं हूँ रौनक, आप देखना शुरू कर चुके हैं रणतंत्र। एक ओवर में अगर 6 रन चाहिए हो और गेंदबाजी करने सूर्य कुमार यादव आए, एक ओवर में 6 चाहिए थे बस, सबसे बूढ़ी दादी भी बैटिंग करने जाए तो वो रन बना लेती। लेकिन श्रीलंका वाली इतना, ये तो वही हिसाब हो गया जो 30 में 30 चाहिए था और इंडिया जीत गया था, दूसरी टीम हार गई। अगर पता चल जाता ना कि आगे चलकर उसकी टीम ऐसी खेलेगी तो वो खुद ही लंका जलाने में मदद कर देता। गजब बेइज्जती है। एक तो श्रीलंका के पूर्व क्रिकेटर, इंडिया के सामने ना टीम्स पता नहीं चल नहीं पा रही आजकल। अभी अगर ऐसे पाकिस्तान हारी होती तो मजा आ जाता, शोएब अख्तर को देखकर। तो भैया हारी थी यार, ऐसे जब 30 में 30 चाहिए था वो भी नहीं था, कुछ दिल घोषित हो गए होते। सूर्य कुमार यादव के ओवर में अगर आप 6 रन नहीं बना पा रहे हो तो मेरे हिसाब से श्रीलंका में क्रिकेट ग्राउंड को बंद करके वहां पर बारात घर बना देना चाहिए। नहीं, रिंकू सिंह को विकेट दे दिया, सूर्य कुमार यादव को विकेट दे दिया। अरे देने का अगर इतना ही शौक, अरे बॉलिंग का लोन का पैसा भी वापस, बॉलिंग करके सारे ट्राई कर रहे थे। और ये तो धोती खोल रहा है। एक काम करते, शुरू से आपको बताते कितना मजेदार मैच था। ऑलरेडी सीरीज हार चुकी श्रीलंका की टीम ने टॉस जीतकर सोचा कि पहले गेंदबाजी कर लेते हैं, हो सकता है इज्जत बच जाए। और कसम से जैसा उन्होंने गेंदबाजी करना शुरू करा ना, वो अपनी इज्जत बचाने नहीं, हमारी इज्जत खोलने आए थे ऐसा लग रहा था, क्योंकि इंडिया सीरीज जीत चुकी थी। इसलिए हार्दिक, ऋषभ पंत जैसे खिलाड़ियों को रेस्ट दिया गया था और बेंच स्ट्रेंथ को ट्राई किया। हर कोई बॉलिंग करने आ रहा, बोलूंगा तो विवाद हो जाएगा। लेकिन संजू भाई, ये जो हम आपसे प्यार करते हैं ना, ये प्यार वन साइडेड होता जा रहा है, मैं बता रहा हूँ। और हमें डर फिल्म का शाहरुख खान नहीं बनना, हमें बनना है दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे का शाहरुख खान। हमें काजोल की तरफ से भी प्यार चाहिए, लेकिन हमें मिल नहीं रहा है। खैर, कल खाली संजू नहीं, किसी का खेलने का मूड नहीं था ऐसा लग रहा था। जयसवाल, रिंकू, सूर्य कुमार यादव सब ऐसे खेल रहे थे जैसे उनकी फ्लाइट कल शाम की ही है, और सबको उस फ्लाइट से इंडिया फिर भी जीत गए। 48 रन पर हमारी आधी टीम आउट हो चुकी थी। हमारी मदद करने आए पराग भैया, जिन्होंने मैच से पहले कुमार संगकारा के रेस्टोरेंट में जाकर केकड़ा खाया था और फिर केकड़े की तरह पिज्जे चिपक भी गए। यार रियान पराग आजकल बड़ा सही कर रहा है, पार्टनरशिप कर डाली। हालांकि टीम इंडिया ने 20 ओवर में टारगेट मात्र 138 रन का ही दिया था, पर दे दिया। श्रीलंका वाले 138 रन बनाने में पूरी जान के साथ लग गए, उन्होंने ओपनिंग पार्टनरशिप 58 रन की कर डाली। इसके बाद दूसरे विकेट तक उनके 110 रन बन गए थे। क्या हो गया था, उनका दूसरा विकेट गिरा तो उनको जीतने के लिए मात्र 28 रन चाहिए थे। उन्होंने मजे मजे में हसरंगा को बैटिंग करने भेज दिया, लेकिन भूल गए कि जिस तरह मिर्जापुर में चांदनी रात थी और उसमें दौड़ रहा था सोने का घोड़ा, उसी तरह 15 ओवर के बाद लग जाता है श्रीलंका वालों का बेसन का पकौड़ा। अब पता नहीं 15 ओवर होने के बाद इंडिया वालों की कौन सी शक्तियां जागृत हो जाती हैं। एग्जैक्टली, लास्ट के 5 ओवर्स में इंडिया पता नहीं क्या करते थे। दो मैचों में विनिंग पोजीशन में आने के बाद श्रीलंका वालों ने 15 ओवर के बाद ही वो काम किया जो अक्सर हम लोग सुलभ शौचालय में करने जाते हैं। पहले 3 विकेट गिरने के बाद उनके बाकी विकेट ताश के पत्तों की तरह गिरने लगे, लेकिन मुझे सच में नहीं लग रहा था कि जब 2 ओवर में 12 रन चाहिए तब श्रीलंका हार सकती है। ऊपर से सूर्य कुमार यादव ने रिंकू सिंह को गेंद दे दी, उनसे बोला बॉलिंग करके आओ रिंकू भैया। मुझे लगा सूर्य भैया इसी ओवर में 12 रन बनवा देना चाहते हैं, लेकिन रिंकू भाई ने इस ओवर में 2 विकेट ले लिए। आखिरी ओवर में जीतने के लिए 6 रन चाहिए थे और उनके सभी बढ़िया बल्लेबाज आउट हो चुके थे। 6 चाहिए थे यार, ओवर में 6 रन सूर्य कुमार यादव के खिलाफ तो एक छक्का, बस एक छक्का चाहिए था। श्रीलंका वालों ने बिना लोटा लिए कह दिया, क्या कह दिया, हम बता रहे भैया कि हम बैठे में हार देंगे। और श्रीलंका वालों ने सच में यही किया, रिंकू के बाद सूर्य कुमार यादव को भी 2 विकेट दे दिया। हालांकि ओह माय गॉड, स्कोर की बराबरी उन्होंने कर ली और मैच सुपर ओवर में चला गया।
सुपर ओवर, अच्छा सुपर ओवर में चला गया वाशिंगटन सुंदर को, लेकिन जिस हिसाब से श्रीलंका की हालत थी, अगर सूर्य कुमार यादव, शुभमन गिल या विकेट कीपर संजू सैमसन को भी बॉलिंग अगर वो दे देते तो भी भारत जीत जाता। जब श्रीलंका वालों ने सूर्य कुमार यादव और रिंकू सिंह को अश्विन और हरभजन बना दिया तो वाशिंगटन तो उनके लिए साक्षात शेन वॉन थे। और यही हुआ भी, सुपर ओवर में श्रीलंका 2 रन बनाकर ऑल आउट हो गए और इंडिया को जीतने के लिए मात्र 1 गेंद लगे, जिसमें सूर्य कुमार यादव ने चौका मार के अपनी कप्तानी वाली पहली सीरीज में क्लीन स्वीप कर लिया, यानी 3 के 3। काफी मजे की कैप्टनसी रही सूर्य कुमार यादव की। मेरे पास तो शब्द कम पड़ रहे हैं श्रीलंका को कुछ बोलने के लिए भैया, मैं तो बोल ही नहीं पा रहा हूँ। मैं यही सोच सोच के परेशान हो रहा हूँ कि कहीं डेनियल अलेक्जेंडर नाम का वो लौंडा फिनाइल से अपनी आंख न धो लिया हो ये मैच देखने के बाद। ये कौन है? आप श्रीलंका में है इसके लिए, और श्रीलंका की टीम के लिए अगर कुछ कहना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स भर डालो, मैं तो बोलता हूँ जो लिखना लिख डालो। बाकी आपसे मिलते हैं कल सीरीज। मैं तो ये कहना चाहूंगी कि उनकी बहुत ज्यादा बैड लक चल रही थी, क्योंकि ऑब्वियसली जब इस तरह पहले भी हो चुका है वर्ल्ड कप में, 2 दफा ऐसे हो चुका है कि इंडिया लास्ट के 5 ओवर में पता नहीं कैसे क्या कौन सा जादू होता है इंडिया के पास कि लास्ट के 5 ओवर्स में दूसरी टीम से हिला भी नहीं जाता और इंडियन बस ले जाते हैं मैच। ऐसा पाकिस्तान के मैच में भी हो चुका है और एक और मैच में भी हुआ था वर्ल्ड कप में। सो श्रीलंका वाले जो है वो नहीं कर पाए 6 में 6, और इतना ज़्यादा टारगेट भी नहीं था, जबकि इतनी अच्छी परफॉर्मेंस भी बैटिंग की तरफ से नहीं रही। वो कह रहे हैं कि रियान ने आके अच्छा किया कुछ, और कोई भी बॉलिंग करवा रहा था और विकेट्स ले रहा था। सो बस बहुत ही ज़्यादा बैड लक चल गई है उनकी किस्मत में, जीतना था ही नहीं 6 में 6 भी नहीं, सिर्फ एक शॉट चाहिए थी मेरी यार। लेकिन चलो इंडिया जीत गया सीरीज और अच्छा हुआ सूर्य कुमार यादव के लिए उनकी कैप्टनसी में। मतलब मुझे बहुत कॉन्फिडेंस उनमें लगा, मुझे लगा कि सूर्य कुमार यादव बहुत कॉन्फिडेंट कैप्टन रहे हैं फर्स्ट टाइम, मतलब फर्स्ट आई थिंक पहले भी उन्होंने कैप्टनसी किया बट इसको हम फर्स्ट टाइम ही कंसिडर करेंगे। तो ही वॉज क्वाइट कॉन्फिडेंट, तो अच्छा लगा यार देख के, वीडियो मज़े की थी पूरी, मुझे हाइलाइट्स इसमें मिल गई हैं कि क्या कुछ हुआ कैसे हुआ, इसलिए मैंने ये वीडियो चूज़ की थी। सो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर करना, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।